अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टैली की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि टैली में सेल्स वाउचर क्या है और उसमें ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में आपने जाना कि टैली में परचेज वाउचर क्या है और उसमें ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं। हमने आपको परचेज वाउचर वाली वीडियो में बताया था कि परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, डेबिट नोट वाउचर तथा क्रेडिट नोट वाउचर मुख्यतः माल यानी गुड्स से संबंधित होते हैं। साथ ही इन चारों वाउचर्स में समान रूप से उपयोग होने वाली कई जानकारियां भी दी थी। आप उन सभी बातों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो परचेज वाउचर वाली वीडियो अवश्य देख लें। उसी वीडियो में हमने एक और महत्वपूर्ण बात बताई थी कि टैली ने इन चारों वाउचर्स में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए तीन मोड्स दिए हैं, वाउचर मोड, आइटम इनवॉइस मोड और अकाउंट इनवॉइस मोड। परचेज वाउचर वाली वीडियो में हमने इन तीनों के बारे में भी आपको अच्छे से समझाया था, साथ ही ये भी बताया था कि एक मोड से दूसरे मोड में कैसे जाते हैं। आज हम बताएंगे सेल्स वाउचर के बारे में। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फिर से इसके बारे में समझ लेते हैं। जब व्यापार में खरीदे गए माल का विक्रय या मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति में तैयार माल का विक्रय किसी कस्टमर को कैश या क्रेडिट पर किया जाता है तो उस ट्रांजैक्शन को सेल्स वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण काम है सेल्स, और प्रत्येक सेल के साथ हमें उसका बिल भी देना होता है। तो आइए देखते हैं कि सेल्स इनवॉइस कैसे बनाते हैं। अभी हमने टैली में अपनी कंपनी ओपन की हुई है और हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। सेल्स वाउचर के लिए पहले V की प्रेस करेंगे, फिर F8 प्रेस करें। देखिए, ऐसा करते ही सेल्स वाउचर क्रिएशन विंडो आ गई है और ये आइटम इनवॉइस मोड में है और हमें यही चाहिए भी। आइए अब हम ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। हमने SK ट्रेडर्स को 1 जुलाई 2020 को 25,000 रुपए प्रति नग के हिसाब से 20 इंच वाले सोनी टीवी 2 नग और 35,000 रुपए प्रति नग के हिसाब से 30 इंच वाले सोनी टीवी 2 नग बेचे, जिसका कुल अमाउंट 1,20,000 रुपए हमें नकद प्राप्त हो गया। सबसे पहले F2 की प्रेस करके वाउचर की तारीख बदल लेते हैं, एंटर प्रेस करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम के आगे पार्टी का नाम सेलेक्ट करना होगा। यहाँ समझने की बात यह है कि यदि हम कोई माल बेचते हैं और उसका पेमेंट कैश या फिर बैंक के चेक से हाथों हाथ यानी माल देते समय ही प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ पार्टी अकाउंट नेम में हमने जिस भी तरह से पेमेंट प्राप्त किया है, यदि कैश प्राप्त हुआ है तो कैश अकाउंट, और यदि कस्टमर ने चेक दिया है तो वो चेक हम जिस बैंक में जमा करने वाले हैं उस बैंक का अकाउंट सिलेक्ट करना होगा। ध्यान रखें, यदि माल डिलीवरी के समय ही चेक से पेमेंट आ जाता है तो इसे भी कैश सेल ही माना जाता है। बस फर्क इतना है कि कैश हमारे हाथ में न आते हुए चेक के माध्यम से सीधा बैंक में जमा हो जाएगा, और यदि हमने ये माल किसी को उधार यानी क्रेडिट पर बेचा है तो यहाँ जिस कस्टमर को माल उधार बेचा है उसका अकाउंट सिलेक्ट करना होगा। हमने ये माल कैश पेमेंट लेकर बेचा है, इसलिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में से हम कैश अकाउंट सिलेक्ट कर रहे हैं। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पार्टी डिटेल्स में डिस्पैच डिटेल्स, ऑर्डर डिटेल्स और बायर्स डिटेल्स जो भी देना चाहे वो दे सकते हैं। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें। यहाँ सेल्स लेजर के सामने सेल्स अकाउंट सिलेक्ट करें। एंटर प्रेस करते हुए हम नेम ऑफ आइटम्स में आ गए हैं। यहाँ पर आपको स्टॉक आइटम का नाम सिलेक्ट करना होगा। स्टॉक आइटम के नाम के लिए उसका पहला अक्षर टाइप करें, जैसे हमने सोनी टीवी 20 इंच के लिए टाइप किया S। ऐसा करते ही राइट साइड में लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स आ गई है और उसमें हमारे द्वारा टाइप किए गए अक्षर से आरंभ होने वाले सभी नाम हाईलाइट हो रहे हैं। उसमें से आइटम का नाम सिलेक्ट करते ही हम क्वांटिटी फील्ड में आ जाएंगे। यहाँ जो स्टॉक आइटम सिलेक्ट किया है वो कितनी क्वांटिटी में बेचा है वो टाइप करें, एंटर प्रेस करें। यहाँ पर उस स्टॉक आइटम का विक्रय मूल्य यानी सेल रेट टाइप करें, एंटर प्रेस करें।
देखिए अमाउंट फील्ड में उस स्टॉक आइटम का पूरा मूल्य आ गया है। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें। इसी तरह आपने जो भी स्टॉक आइटम्स सेल किए हैं वे सभी एक एक करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। अब आखिर में एंटर प्रेस करते हुए एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट करें। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें। नरेशन में आप इस सेल से संबंधित जो भी डिटेल्स देना चाहें वो टाइप कर दें और फिर एंटर प्रेस करते हुए इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लें। माल के साथ हमें पार्टी को बिल भी देना होगा। बिल का प्रिंट कैसे निकालते हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। अभी सिर्फ समझने के लिए कि बिल किस तरह का दिखेगा हम उसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। उसके लिए पेज अप की प्रेस करें। देखिए हमने जो वाउचर अभी सेव किया था वो दिखाई पड़ रहा है। अब प्रिंट के लिए ऑल्टर और पी कीज को प्रेस करें। यदि यहाँ विद प्रिंट प्रीव्यू लिखा है तो ठीक है और नहीं लिखा हो तो ऑल्टर और आई कीज को प्रेस करें, फिर एंटर प्रेस करें। इस बिल को जूम करके देखने के लिए ऑल्टर और जेड प्रेस करें। देखिए पूरा बिल अच्छे से दिखाई पड़ रहा है। अब बाहर आने के लिए एस्केप की का उपयोग करें। ध्यान रखें सेल्स वाउचर में पार्टी अकाउंट नेम हमेशा ऊपर रहता है और इसमें यदि नकद लेकर माल बेचा है तो कैश अकाउंट, यदि चेक लेकर माल बेचा है तो जिस बैंक में चेक जमा करना हो उस बैंक का अकाउंट, और यदि उधार यानी क्रेडिट पर माल बेचा है तो जिस पार्टी को उधार माल बेचा है यानी कस्टमर का अकाउंट सिलेक्ट करना होता है। और इसके बाद सेल्स लेजर आता है जिसमें हमेशा सेल से संबंधित जो भी लेजर होगा वो सिलेक्ट करना होता है। आइए अब दूसरा ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। हमने मोहन ट्रेडर्स को 31 जुलाई 2020 को 35,000 रुपए प्रति नग के हिसाब से 1 टन वाले गोदरेज एसी 6 नग और 24,000 रुपए प्रति नग के हिसाब से सोनी टीवी 20 इंच वाले 2 नग उधार बेचे जिसका कुल अमाउंट 2,58,000 रुपए हुआ। सबसे पहले F2 की प्रेस करके वाउचर की तारीख बदल लेते हैं। एंटर प्रेस करेंगे। अब पार्टी अकाउंट नेम डालें, उसके बाद पार्टी डिटेल्स डालें। यहां सेल्स लेजर के सामने सेल्स अकाउंट सिलेक्ट करें, नेम ऑफ आइटम यहां पर डाल देंगे। देखिए लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स में सभी स्टॉक आइटम्स के नाम के बाद वे कितनी क्वांटिटी में हैं ये भी लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। हमारे पास 5 AC ही हैं, जबकि हम बिल 6 AC का बनाने जा रहे हैं। हमने उपलब्ध स्टॉक का ध्यान नहीं दिया और स्टॉक आइटम सिलेक्ट करके आगे बढ़ गए। जब आप क्वांटिटी लिखकर एंटर प्रेस करेंगे तो एक नेगेटिव स्टॉक का मैसेज आएगा, फिर भी आप बिल बनाना चाहते हैं तो एंटर प्रेस करके आगे बढ़ें। यदि आप उस आइटम का बिल नहीं बनाना चाहते हैं तो बैकस्पेस की से आइटम के नाम पर जाकर उसे डिलीट कर दें, और यदि उसके स्थान पर आप कोई दूसरा आइटम लेना चाहते हैं तो लिस्ट में से उसे सिलेक्ट कर लें। हम वापस गोदरेज जैसी 1 टन सिलेक्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ क्वांटिटी डालें, यहाँ पर रेट डालें। यदि बिल में एक से ज्यादा आइटम्स हों तो इसी तरह सभी को एक एक करके सिलेक्ट कर लें। फिर नरेशन डालें और अंत में इस विंडो को एक्सेप्ट कर लें। कई बार ऐसा भी होता है जैसे कि हमारे पास 5 AC पहले से स्टॉक में थे और 5 हमने आज और खरीदे हैं जिसकी एंट्री अभी हमने कंप्यूटर में नहीं की है, यानी जिसका ट्रांजेक्शन अभी रिकॉर्ड करना बाकी है और कोई ग्राहक माल लेने आ गया तो कंप्यूटर में स्टॉक 5 AC का ही दिखेगा जबकि हमारे पास 10 AC स्टॉक में है। यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय नेगेटिव स्टॉक का मैसेज ना आए तो आप F12 की प्रेस करके वॉन ऑन नेगेटिव स्टॉक बैलेंस को नो करके विंडो को एक्सेप्ट कर लें। हम ऐसा नहीं चाहते हैं इसलिए एस्केप की प्रेस करके बाहर आ गए। आइए इस बिल का भी प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। उसके लिए पेज अप की प्रेस करें और उसके बाद ऑल्टर और पी प्रेस करें। यदि विद प्रिंट प्रीव्यू ना लिखा हो तो ऑल्टर और आई प्रेस करें, फिर एंटर करें। अब जूम करने के लिए ऑल्टर और जेड प्रेस करें।
चलिए एक और ट्रांजेक्शन तेज गति से कुछ नया सीखते हुए रिकॉर्ड कर लेते हैं। 31 जुलाई 2020 को हमने मोहन ट्रेडर्स को 26,000 रुपए प्रति नग के हिसाब से सोनी टीवी 20 इंच वाले दो नग बेचे, जिनका कुल अमाउंट 52,000 रुपए हमें HDFC बैंक के चेक नंबर 121254 डेटेड 31 जुलाई 2020 से माल डिलीवरी के साथ ही प्राप्त हो गया। F2 की प्रेस करके डेट चेंज करें, पार्टी अकाउंट नेम चुनें। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि यदि माल देते समय ही हमें चेक प्राप्त हो जाता है तो हम उस चेक को अपनी जिस बैंक में जमा करने वाले हैं, जैसे कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा करने वाले हैं, तो यहाँ पार्टी अकाउंट नेम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट करेंगे। पार्टी डिटेल्स दें। यहाँ ध्यान रखें, आप जिसे माल बेच रहे हैं यदि उसका लेजर आपके यहाँ बना हुआ है तो पार्टी डिटेल्स में बायर्स डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स आ रही होगी, यदि नहीं आ रही हो तो राइट साइड में नीचे की ओर पार्टी लिस्ट के आगे M लिखा है और उसके नीचे अंडरलाइन है, आप ऑल्टर और M कीज को प्रेस करें, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स आ जाएगी। उसमें पार्टी का नाम सिलेक्ट कर लें, हम मोहन ट्रेडर सिलेक्ट कर रहे हैं। ऐसा करते ही उसका पूरा पता जो आपने उसका लेजर बनाते समय दिया होगा आ जाएगा। सेल्स लेजर चुन लें, नेम ऑफ आइटम यहां पर डाल देंगे, यहां पर क्वांटिटी डालें, यहां पर रेट डालें, यहां वही रेट आ जाएगा जिस रेट में आपने इसके पहले ये माल बेचा होगा, आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं। यदि बिल में एक से ज्यादा आइटम्स हैं तो इसी तरह सभी को एक एक करके सिलेक्ट कर लें। अब आखिर में एंटर प्रेस करते हुए एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट करें। बैंक एलोकेशंस पर आने पर जिस तरह से पेमेंट प्राप्त हुआ है, ट्रांजैक्शन टाइप में स्पेस बार की सहायता से वो सिलेक्ट करें। इंस्ट्रूमेंट नंबर में कस्टमर ने जो चेक दिया है उसका नंबर टाइप करें। इंस्ट्रूमेंट डेट में कस्टमर के चेक की तारीख टाइप करें। बैंक के आगे कस्टमर ने जिस बैंक का चेक दिया है उस बैंक का नाम टाइप करें। नरेशन टाइप करें और फिर एंटर प्रेस करते हुए इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लें। यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय पार्टी डिटेल्स वाली विंडो ना आए तो आप F12 की प्रेस करके इनेबल सप्लीमेंट्री डिटेल्स को नो करके विंडो को एक्सेप्ट कर लें। हम ऐसा नहीं चाहते हैं, इसलिए एस्केप की प्रेस करके बाहर आ गए। इस वीडियो में आपने सेल्स वाउचर के बारे में जाना। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको डेबिट नोट वाउचर क्या है और उसमें परचेज रिटर्न के ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये बताएंगे।